Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about Article 51, Constitution of Pakistan 1973. What does Article 51, Constitution of Pakistan 1973 says about National Assembly, Qaumi Assembly? Article number 51 ye kehta hai ki Pakistan ki Qaumi Assembly 342 मेंबरान असेंबली पर मुश्तमिल होगी, यानी टोटल जो कौमी असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, जो NA जिसको बोलते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर जो हैं, वो 342 होंगे, उन्हीं के ऊपर इलेक्शन होगा। आर्टिकल 51 सेज देयर शैल बी 342 सीट्स फॉर मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व्ड for women and non-Muslim अकलियत और ख्वातीन को इंक्लूड करके। आर्टिकल नंबर 51 का पैरा नंबर 1 का अलिफ ये कहता है कि क्लॉज नंबर 1 के मुताबिक कौमी असेंबली नेशनल असेंबली की नशिस्तें और मजीद जो क्लॉज नंबर 2 के अलिफ में मुख्तस की गई है, जिक्र किया गया है, वो तरतीब के लिहाज से सूबा कबाइली इलाका जात और वफाकी दारुल हुक्म खिलाफा यानी इस्लामाबाद वो इसमें शामिल होगा। डियर फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 51 सेज दैट शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन सो सब्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द 21st डे of August 2002. The seats in the National Assembly refer to the clause. In Pakistan, there is four province, Khyber Pakhtunkhwa province, Punjab, and Sindh, and Balochistan, and federal administrative tribal area. If you are citizen of Pakistan, then you are able to vote. If you are not less than 18 years, meaning you should be 18 and above 18 years old of age, your name appears on the electoral roll and not declared by a competent court to be unsound mind. कौन लोग इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? 18 साल और 18 साल से ऊपर के वो उनका एज हो, आपकी उम्र 18 साल और 18 साल से ज़्यादा हो, सिर्फ आप पाकिस्तान के शहरी हो, या किसी अदालत ने वोटर को अगर पागल ना डिक्लेयर किया हो या करप्टेड डिक्लेयर ना किया हो, वोट का हक उसे उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक कि अदालत ने उसकी इस हक को नासीस कर लिया हो। द सीट्स इन द नेशनल असेंबली रिफर्ड टू इन क्लॉज नंबर 1 एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज नंबर 4 शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस सिंध बलूचिस्तान पंजाब खैबर पख्तूनख्वा the federal administrated tribal area and the federal capital like Islamabad and general seats for women. Article number 51 ka para number 2 ye kehta hai ki aisa shakhs qaumi assembly mein rai dene ka mustahiq hoga agar para alif ke mutabik wo Pakistan ka shahri ho, उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, उसका नाम इंतखाबी फहरस्त में इंतखाबी लिस्ट में मौजूद हो, उसे किसी अदालत ने पागल ना डिक्लेयर किया हो, उसको किसी अदालत ने गद्दार ना डिक्लेयर किया हो, उसको किसी अदालत ने उस पर पाबंदी ना लगाई हो, तो वो वोट भी दे सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है। आर्टिकल 51 का पैरा नंबर 2 का अलिफ कहता है कि कौमी असेंबली की नशिस्तों की जो तादाद क्लॉज नंबर 1 का अलिफ में
दर्ज किया किया हुआ है। उसके अलावा क्लॉज नंबर एक के अलिफ की रूह से 10 नशिस्तें यानी 10 सीट्स गैर मुस्लिम मेंबरान असेंबली के लिए मुख्तस की जाती है आईने पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 51 के रूह से। कौमी असेंबली में नशिस्तें सरकारी तौर पर शाया शुदा आखिरी मर्दम शुमारी के मुताबिक आबादी की बुनियाद पर हर सूबे और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबाइली इलाका जात और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए मुतय्यन की जा चुकी है। कौमी असेंबली के इंतखाब के लिए आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन में सीटों की तरतीब हल्का में इलाकाई बुनियाद पर वाहिद रुकनियत के तहत होगी और मेंबरान का इंतखाब बराहे रास्त और आज़ादाना अंदाज में कानून के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। बी ये कहता है कि ख्वातीन के लिए मुख्तस नशिस्तों के लिए हर सूबे में एक हल्का इंतखाब होगा जिनकी तशखीस नेशनल असेंबली करेगी। नाज़रीन सूबों में शिक नंबर A1 के मुताबिक गैर मुस्लिम शिक्षकों के लिए हल्का इंतखाब पूरे मुल्क में मुनक़द किया जाएगा यानी इलेक्शन पूरे मुल्क में होगा जो गैर मुस्लिम है उनके लिए। ख्वातीन की नशिस्तें जो भी सूबे के लिए हैं ख्वातीन का भी वैसे ही होगा पूरे मुल्क में। क्लॉज नंबर A1 के मुताबिक मुख्तस हैं उनका इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक सियासी जमातों के नाम और निज़ाम के मुताबिक के जो इस सियासी जमात ने पार्टी की बुनियाद पर कौमी असेंबली में नशिस्तें हासिल की हो यानी ये जो अकलियती और ख्वातीन है वो अगर किसी सियासी पार्टी से बिलोंग करती हैं तो वो सियासी पार्टी उनके नेम्स इलेक्शन कमीशन को लिखवाएगा पूरे कवायफ के साथ। हम बता चुके हैं 18 साल हो पागल ना हो अदालत ने उसको उसके पावर को उसके हक को सीज ना कर दिया हो मगर शर्त यह है कि उस किसी सियासी जमात की हासिल करदा जीती हुई आम नशिस्तों में वो खुद मुख्तार नशिस्त या कोई और नशिस्तें भी शामिल तसव्वुर होंगी। बाज़ औक़ात आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं वो अकलियत हो या ख्वातीन का की नशिस्तें हो या ख्वातीन की नशिस्तें हो वो इंडिपेंडेंटली भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। मजीद ये भी शर्त लगाई जाती है कि ज़ेली शिक के मकासिद के लिए किसी भी सियासी पार्टी की हासिल करदा जीती हुई आम नशिस्तों में वो खुद मुख्तार नशिस्त या कोई और नशिस्तें यानी सीट्स भी शामिल तसव्वुर होंगी जो सरकारी गेजेट में नतीज के ऐलान के 3 दिन के अंदर मंतखब करदा सियासी जमात में शमूलियत कर लेंगे और इन नशिस्तों का इंतखाब जो गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुख्तस हैं सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक जो उन्होंने पार्टी की बुनियाद पर कौमी असेंबली में नशिस्तें हासिल की हो अमल में लाया जाएगा। इसमें भी शर्त यह है कि कोई सियासी जमात कौमी असेंबली के नशिस्तों का 5% से भी कम नशिस्तें हासिल करे उसे ख्वातीन या गैर मुस्लिम या किसी भी नशिस्त का मुस्तहक नहीं समझा जाएगा यानी वोट का टोटल 5% से कम उसके पास वोटर्स 5% से कम वोट ना हो। आर्टिकल 51 पैरा नंबर 4 सेज इन एडिशन टू द नंबर ऑफ सीट्स referred to in clause number 3 shall be in the national assembly 10 seats
रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स, 10 सीटें रिजर्व होती है नॉन मुस्लिम के लिए। आर्टिकल नंबर 51 पैरा नंबर 5 सेज द सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस इन फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया एंड द फेडरल कैपिटल द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली। द 51 पैरा नंबर 5 ए सेज द जनरल सीट शैल बी सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसेस एंड द मेंबर्स टू फिल सच सीट्स शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ। Article 51, para 5, B says each province shall be a single constituency for all seats reserved for women which are allocated to the respective province under clause number 3. The constituency for all seats reserved for non-Muslims shall be the whole country. Constitution of Pakistan, its para number D says members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause number 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly, provided that for the purpose of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. And Article 51, para number 5, E says members to the seats reserved for non-Muslim shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, lists of candidates on the basis of total number of general seats. And won by, यानी कामयाब होता है वो, won by each political party in the National Assembly, provided that for the purpose of his paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within three days of the political in the official gazette of the names of the returned candidates. Respected friend, I feel knowledge is a powerful tool for successful people. Take care. Assalamu alaikum warahmatullah.